एवरीवन स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10th लेसन नंबर 2 बूढ़ी काकी के बच्चों ये शब्द अर्थ हैं, जैसे मैंने शब्द लिखे इधर अर्थ। पुनरागमन जैसे मतलब होता है वापस आना। आंत्रनाद का मतलब होता है दुख भरी चीख। सब्ज बाग का मतलब होता है झूठे सपने। क्षुधा वर्धक का मतलब होता है भूख को बढ़ाने वाली। रक्षागार का मतलब होता है सुरक्षित स्थान नेस्ट। टिक्का करना मतलब होता है हैरान करना। उद्विग्न का मतलब होता है चिंतित। सदिच्छाएं का मतलब होता है शुभ कामना अच्छी इच्छा मतलब संदिच्छाएं। सेतु का मतलब होता है पुल। ग्रास का मतलब होता है कौर। मनसूबे का मतलब होता है कल्पनाएं इच्छाएं। रसा स्वादन का मतलब होता है स्वाद लेना आनंद लेना। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। नेक्स्ट बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था? धनीराम, पंडित बुद्धिराम, सुखराम या दुखराम। बच्चों ये जो सही विकल्प है उस पर सही का टिक आपको लगाना है। आपने स्टोरी तो रीड की है ना बच्चों, उसी में से ये विकल्प क्वेश्चन है। रूपा किसकी पत्नी थी? धनीराम की पत्नी रूपा थी या मनीराम की या हनीराम की या पंडित बुद्धिराम की? तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जिसकी वह रूपा पत्नी थी तो उस पर सही का निशान आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचाकर रखी थी? रूपा ने या बुद्धिराम ने या लाडली ने या श्यामा ने? जिसने बूढ़ी काकी के लिए पूड़ी बचाकर रखी थी, जो आंसर करेक्ट है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं उस पर आपको सही का टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से झूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन रह गया? कौन? रूपा या बुद्धिराम या लाडली या श्यामा? ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इस पर एक टिक लगाना बच्चों। बूढ़ी काकी में कौन सी चेष्टा शेष बची थी? स्पर्श की, श्रवण की, स्वाद की या गंध की? तो इस पर भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सही का टिक आपको लगाना है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ये प्रश्न है नंबर 1, बूढ़ी काकी कब रोती थी? इस कहानी में जो बूढ़ी काकी है वह क्यों रोती थी और कब रोती थी? आंसर में बच्चों मैंने लिखा है, बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। जब घर वाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें ना मिलती तो वे रोती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? आंसर में बच्चों मैंने लिखा है, लड़के जब तब बूढ़ी काकी को सताया करते थे। लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काट कर बांटता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली, जैसे मुंह में पानी भरकर कुल्ला करते हैं ना, तो उसको कुल्ली कहते हैं, कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? आंसर में बच्चों मैंने लिखा है, बूढ़ी काकी को पूड़ियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल फूली फूली और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? नेक्स्ट आंसर, बूढ़ी काकी को झूठे पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े जाते हुए देखकर रूपा को बहुत गिलानी हुई। उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हत्या ली थी? बुद्धिराम था ना, बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे उसने ले ली थी? आंसर बच्चों में लिखा है मैंने, बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा ना था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिमान ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हत्या ली। बाय बाय स्टूडेंट।